Hey beautiful people, how are you all today? Welcome back to our channel Divyashi Vlog. आज का vlog मैं शुरू कर रही हूँ अपने plot से. और ये देखिए कितने सारे flowers लग रहे हैं. Pink color के flower हैं, ये गेंदे के हैं, उधर भी हैं और ये भी लग रहे हैं. कुछ flower हमने तोड़ लिए हैं और ये भी लग रहे हैं. गुलाब के हैं, ये देसी गुलाब. और हम थोड़ी भिंडी भी आ रही है, देखिए ये भिंडी का फूल आ रहा है. मैं थोड़े फ्लावर तोड़ लेती हूँ. मैंने थोड़े फ्लावर तोड़ लिए थे, फिर सोचा कि शूट कर लूँ, तो थोड़े से रह गए हैं बस. ये लेकर चलते हैं, पूजा करेंगे. ज़्यादा नहीं थोड़े के, क्योंकि ये यहीं पे ही अच्छे लग रहे हैं, बट भगवान जी को भी चढ़ाना ज़रूरी है. ये कितने प्यारे लग रहे हैं, क्लोज करना थोड़ा. और एक ये रहा, कितना बड़ा है ना. थोड़ी सी लेंगे धोबड़ा घास, क्योंकि आज वेडनेसडे है, गणपति जी को ये पसंद है, तो थोड़ी सी ये ले लेंगे. चलो चलते हैं घर की ओर. गाइस मैं लेके आ गई हूँ फ्लावर्स प्लॉट से पूजा के लिए, और मैंने चढ़ा दिए हैं. ये देखिए, ये माता रानी को चढ़ाया है, ये इधर गणपति जी को दुबड़ा घास और ये चढ़ाए हैं, इधर के खाना जी को भी है, इधर भी है, थोड़ा थोड़ा सबको चढ़ा दिया है. अब करेंगे ब्रेकफास्ट की तैयारी, देखते क्या बनता है. वैसे डिसाइड करें कि आज आलू के पराठा बनेगा, क्योंकि मौसम ठीक है और कुछ टाइम से बने भी नहीं आलू के पराठे, तो सोचें आलू के पराठे बनाएंगे. मैंने आपसे बताया था प्रीवियस व्लॉग में कि मौसी कल चली जाएंगी, मतलब एक दो दिन में चली जाएंगी, तो आज मौसी जा रही हैं मौसी के साथ. बाय. हाँ, ऑडियंस को तो आप अभी तो मौसी के साथ साथ मम्मी का भी प्लान बन गया है जाने का, तो हमारे व्लॉग में दो तीन दिन क्या, एक हफ्ता मम्मी नहीं दिखेंगी हमारे व्लॉग्स में. और चल रहे हैं हम मौसी और मम्मी को स्टेशन छोड़ने. मेरे को तो बहुत ज़्यादा खाली खाली लगेगा. इसमें कैसे रहूँगी इनके बगैर, ही खाली खाली लगेगा मेरे को पूरा घर, क्योंकि ये अपना काम करते रहते हैं और मैं बोर होती रहूँगी. गाइस मौसी को देखो कितनी जल्दी हो रही है जाने की. एकदम से सबसे पहले बैठ गई है जाने के लिए. और मम्मी भी बहुत एक्साइटेड है, क्योंकि मम्मी 1.5 साल बाद जा रही हैं अपने घर. घर तो बेसिकली यही है. तो चलते हैं मौसी और मम्मी को स्टेशन छोड़ने. और ये रहे हमारे ड्राइवर साहब. सॉरी गाइस, ये इनको थोड़ा बुरा लगता है कि मैं इनको ड्राइवर बोलती हूँ. अब भाई ड्राइवर सीट पर बैठे, ड्राइवर ही बोलेंगे ना. जस्ट फॉर फन मैं ऐसे बोलती हूँ, ऐसे रियल में नहीं बोलती हूँ. तो डोंट हर्ट खड़ूस. गाइस हम लोग आ गए हैं रेलवे स्टेशन. आप देख रहे होंगे मेरे पीछे है ट्रेन, और मम्मी और मौसी जा रहे हैं, आगे लगी हुई है ट्रेन. मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाती हूँ.
मैंने थोड़ा बैग ले रखा है, इन पे ऑलरेडी बहुत सारे बैग रहे। ये रहे मम्मी और मौसी और ये रही ट्रेन। सो गाइस, मौसी और मम्मी को मिल गई है सीट, सीट तो मिल रही थी ऑफकोर्स, और हम लोग हाँ पूरी बोगी खा ली है। हमने सोचा फेस्टिवल टाइम है, ईद का टाइम है, शायद भरी होगी, बट नहीं, ठीक है, अच्छा है, आराम से जाएंगे। और पहुँच कर फ़ोन वोन कर देना, और सही है, पूरी ट्रेन ही चेंज होगी इस बार, ये सब लोग जा, मैं तो फर्स्ट टाइम गई हूँ। मौसी और मम्मी कह रही हैं पूरी ट्रेन चेंज हो गई है, मैं तो पहली बार ही आई हूँ इस वाली ट्रेन में, संगम में, नहीं तो मैं पहले नहीं हूँ। सो मम्मी और मौसी दोनों रेडी हैं अपनी जर्नी के लिए, है ना, आराम से जाना, कोई कुछ खाने को दे मत लेना और झगड़ा मत करना, सेफली पहुँचना, ठीक है, और मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मैं पहली बार शिरडी गई थी और दूसरी बार अब इस ट्रेन में आ रही हूँ, अभी सिर्फ मैं एक ही बार बैठी हूँ, अभी दूसरी बार बैठी हूँ, पर अभी हमें घर जाना है, हम लोग सिर्फ ड्रॉप करने आए थे, हम नहीं जा रहे हैं कानपुर, और चलो फिर सेफ जर्नी, चलो बाय। चलो मिलते हैं फिर, है 8 दिन बाद। दिव्या पैर छूने भूल जाती है तो पैर छूने जा रही है। अरे ठीक है, ऐसे ही ठीक है, अच्छा चलो ये फोटो खींच, फोटो खींचवाने, फोटो चलो फोटो खींच लेते हैं इनके। गाइस ये आ गई है नौचंदी एक्सप्रेस, अब ये लगेगी और मे बी 8 बजे तक चलेगी, 7 बज रहे हैं, ये खाली है ये, हाँ मतलब यहीं से बन के शुरू चलती है, ये जाएगी हरदोई, प्रयागराज भी जाएगी, बट इसका रूट थोड़ा अलग होगा संगम वाली ट्रेन से, संगम ये भी जाएगी, रूट थोड़ा चेंज होगा। ये है नौचंदी एक्सप्रेस, और ये मम्मी वाली ट्रेन हो गई है रेडी चलने के लिए। गाइस मम्मी और मौसी को बैठा दिया है ट्रेन में और हम निकल गए हैं घर की ओर, और ये एरिया है मिलिट्री एरिया है ये, हाँ मिलिट्री कैंट में तो हम है ही, हाँ क्योंकि ट्रेन भी कैंट में आती है ना, ट्रेन भी कैंट में आती है ना, नहीं कैंट स्टेशन अलग है, वो सिटी स्टेशन है, वो कैंट में नहीं है, कैंट के बाहर हो जाता है। अच्छा ओके, तो ये सिटी स्टेशन है और मैं दिखाती हूँ आपको अपना कैंट थोड़ा सा। गाइस देखिए कैंट को कितना खूबसूरत तरीके से सजाया गया है, और ये जा रहा है हमारा मिलिट्री का ट्रक, मिलिट्री आर्मी, इंडियन आर्मी, और ये देखिए कितना हरा भरा है ये कैंट। मेरठ हम बहुत ज्यादा अच्छे लगने लगा है मेरे को, मतलब यहाँ पे अब अच्छा लगने लगा, पहले नहीं लगता था, नहीं पहले भी अच्छा लगता था, बट अब बहुत मतलब अब डेवलप्ड हो रहा है और डेवलप्ड हो रहा है। कैंट एरिया तो शुरू से ही अच्छा लगता है नो डाउट, क्योंकि हमेशा से हरा भरा चौड़ी चौड़ी रोड, मतलब बहुत ही अच्छा बना हुआ है। गाइस ये आ गया है ओवरनाथ मंदिर, ओगड़नाथ, हाँ ओगड़नाथ मंदिर आ गया है, मेरठ का सबसे फेमस मंदिर, और भोले शंकर का बहुत पुअर, बहुत जय भोले शंकर, ये इसको मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा पुराना है बट मेंटेन कर रखा है, और इसकी मान्यता बहुत ज्यादा है। इधर ये राधे कृष्ण का मंदिर है, आरती हो रही है, आरती हो रही है। गाइस ये आ गया है दुबई स्टोर, यहाँ पे दुबई का सामान मिलता है थोड़ा, है सोफिया पब्लिक स्कूल निकला है ये इधर की साइड से, ये रहा मेरठ का टॉप स्कूल में से एक है, ये सबसे फर्स्ट नंबर पे है सोफिया पब्लिक स्कूल, लड़कियों का है बेसिकली, इसमें एंट्रेंस एग्जाम होता है तभी इसमें वो होता है एडमिशन होता है।
मेरठ के मोस्टली अच्छे कॉलेज जितने भी सब में एंट्रेंस एग्जाम होता है, चाहे एमपीएस हो। एमपीएस में भी एंट्रेंस होता है? यस गाइस, सोफिया गर्ल्स स्कूल में एडमिशन लेना मतलब सिर्फ बच्चा ही नहीं 90% या 99% वाला हो, उसके पेरेंट्स भी बहुत एजुकेटेड होने चाहिए, उनको भी एग्जाम क्लियर करना पड़ता है तब जाके इसमें एडमिशन होता है। और कुछ मे बी कुछ डोनेशन का भी होता है इसमें चक्कर, वो मुझे पता नहीं बेसिकली। तो ये मेरठ का टॉप 1 में है स्कूल। और गाइस ये शुरू हो लग गई है लाइट, लाइट स्टार्ट हो गई है, शाम के 7:20 हो गए हैं। 7 बजे की मम्मी की ट्रेन थी, और मतलब 7 बजे या 7:05 पे निकल गई होगी ट्रेन, ज्यादा भरी भी नहीं थी, सही थी, तो आराम से मम्मी लोग गए हैं। अभी फोन करके पूछ लेंगे, अभी फोन करके पूछेंगे कि मतलब ट्रेन निकल गई है या फिर नहीं। इनका ऑफिस का था तो हम लोग सिर्फ बैठा के आ गए हैं जल्दी। तो अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज टू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, टाटा बाय बाय।